नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सुन लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल शंकर फिक्स में बहुत स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे सर नॉमिनेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे एमपीटेट भर्ती परीक्षा 2022 नॉमिनेशन मार्क्स। तो नॉमिनेशन मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं शिफ्ट के आधार पर, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक मोटा मोटा धक्का बता देता हूँ। अगर हम नॉमिनेशन मार्क्स की बात करें तो आपके दो शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड। दो शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए, और ज्यादातर अगर शिफ्टों की बात की जाए तो ये जो आपकी शिफ्ट रही है वो शिफ्ट रही है आपकी मॉडरेटेड या फिर हार्ड। ठीक है भाई, कुछ शिफ्टें आपकी ऐसी भी रही हैं मॉडरेटेड टू हार्ड, और कुछ शिफ्टें आपकी ऐसी रही हैं जो ऑनली क्या है मॉडरेट है, या कुछ शिफ्टें ऐसी रही हैं जो कि हार्ड है। तो इस आधार पर अंक कितने बढ़ने चाहिए नॉमिनेशन में, तो उसकी चर्चा करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें व्यापम की, चूंकि ये एग्जाम व्यापम ने कराया, तो व्यापम के आधार पर अगर हम बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट में कितने आपके अंक बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मॉडरेट शिफ्ट में लगभग आप मान के चलिए 5 से 7 अंक आपके बढ़ सकते हैं। अगर शिफ्ट मॉडरेट है तो उसमें आपके अंक जो है नॉमिनेशन में 5 से 7 बढ़ने की पूरी संभावना। ठीक है, और जो शिफ्ट आपकी हार्ड है वो पहले से ही हार्ड है, तो हार्ड शिफ्ट में अभ्यर्थियों के अंक भी कम आए होंगे। ठीक है, तो उसमें नॉमिनेशन में मार्क्स ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट में आपके अंक जो है वो 8 से 10 मानकर चलिए 8 से 10 अंक आपके बढ़ाए जा सकते हैं। तो मॉडरेट में 5 से 7 अंक और हार्ड शिफ्ट में 8 से 10 अंक आपके बढ़ाए जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉमिनेशन में शिफ्टों के आंकड़ों को इक्वलिटी देने के लिए उनका एवरेज निकाला जाता है, ये एक मैंने अपना फंडा बताया था किस तरह से नॉमिनेशन होता है। ठीक है, तो उस फंडे से शिफ्टों के आंकड़ों को एवरेज निकालते हैं और पता लगाते हैं कौन सी हार्ड है और कौन सी मॉडरेट है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ाए जाने चाहिए या इस शिफ्ट में कितने अंक घटाए जाने चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में अंक बढ़ेंगे, कुछ अंक घटेंगे भी, लेकिन आप देख रहे हैं कि व्यापम के इस एग्जाम में ज्यादातर शिफ्ट मॉडरेट और हार्ड रही है, तो ज्यादा अंकों के कम होने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। लगभग आप मानकर चलिए 1 से 2 अंक आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, बट आपके अंकों के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो मॉडरेट शिफ्ट है तो 5 से 7 अंक बढ़ सकते हैं, और हार्ड शिफ्ट है तो 8 से 10 अंक आपके बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के इन मार्क्स इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को चांस भी मिल जाएगा इस वर्ष की ये परीक्षा में। लेकिन अब मैं आपको बता दूं नॉमिनेशन का जो बेसिक फंडा की अगर हम बात करें, व्यापम की तरफ से आपको लगातार घोटाले देखने को मिल रहे हैं। अभी नॉमिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था चारों तरफ एमपी पुलिस के रिजल्ट के एग्जाम में। अब भाई एमपी पुलिस के रिजल्ट के एग्जाम में जिस अभ्यर्थी के 75 नंबर आए हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसके 65 आए हैं उसी शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक ही शिफ्ट में एक अभ्यर्थी के 75 आए हैं, दूसरे अभ्यर्थी के 65 आए हैं। ठीक है, 75 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 65 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इन्होंने यही वाली प्रक्रिया, कोई क्लियर नहीं है व्यापम का कि नॉमिनेशन में वो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कौन से फॉर्मे का अप्लाई करेंगे, या फिर अपने मन मुताबिक नंबर बढ़ाएंगे। हो सकता है किसी अभ्यर्थी के 130 नंबर आए हैं उसका सिलेक्शन ना हो, उसको घटा के वो सीधा 110 पे पहुंचा दे। ठीक है, हो सकता है 115 वाले का सिलेक्शन हो जाए, 130 वाले का सिलेक्शन ना हो। तो भैया ये व्यापम का इतना बड़ा फंडा चल रहा है, चारों तरफ घोटाला चल रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैंने आपको संभावना व्यक्त की है, पहले जो चल रहा था उस हिसाब से अगर हम बात करें मॉडरेट में इतने और हार्ड में इतने, और अगर एमपी पुलिस वाला इनने रूल लगा दिया तो आपको हो सकती है एमपीटेट भर्ती की परीक्षा के एग्जाम में नॉमिनेशन में बहुत बड़ी दिक्कत। हो सकता है कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए और ज्यादा नंबर वाले का नहीं हो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपने अनुभव के आधार पर जितना बता दिया कि इतने नंबर बढ़ सकते हैं, और इनका अगर इनके अनुसार हुआ तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो फिर भी उम्मीद रख सकते हैं इस एग्जाम में, तो क्योंकि
इन्होंने लीक तो कराई दिया था एग्जाम, ठीक है। अब लीक करा दिया तो कम से कम नॉमिनेशन में घोटाला तो ना करे, और अगर नॉमिनेशन में घोटाला हो गया तो सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज 13 अप्रैल है और आज सभी अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी लोग 10 बजे ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करेंगे वैकेंसी को इंक्रीज कराने के लिए। तो मेन पर्पज है, अगर आप वैकेंसी को इंक्रीज करा लेते हैं तो नॉमिनेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट था वो 51,000 पदों के लिए था, और अगर हम कोशिश करेंगे आज सभी लोग मिलकर जुटकर तो बहुत से बहुत, अगर हमने 30 से 35 हजार के आसपास भी पद इंक्रीज करवा लिए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, और साथ में नॉमिनेशन तो है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो अपनी वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमको कमेंट करें कि आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। साथ ही आपके एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 1 की परीक्षा भी आने वाली है जल्दी, आपको उसके एग्जाम नोटिफिकेशन जारी देखने को आपको मिलेगा, तो उसकी भी हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स की तैयारी मैं कराऊंगा और साइंस की तैयारी भी मैं कराऊंगा, तो बहुत सारे टॉपिक्स की मैं तैयारी कराऊंगा, तो उसके वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा अपने चैनल पर, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।